हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इस केस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट इन सब की जनरल प्रॉपर्टीज, जो कुछ चीज़ें हैं जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड मेनी अदर थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11। ठीक, पीरियडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे और उसके बाद जिन टर्म्स पे टाइम देने की ज़रूरत होगी उन टर्म्स से हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक, सबसे पहली चीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी कौन सा, एन माइनस वन डी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, पहले ही बता चुका हूँ, एन माइनस वन डी वन टू टेन, एन एस जीरो टू टू। इनको अलग अलग कैटेगरी में बात किया जाता है, जैसे D के आगे जो नंबर होता है उसके बेसिस पे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, 4D सीरीज हमारी स्टार्ट होती है यट्रोबियम टू कैडमियम, लैंथेनम टू मर्करी, और ये स्टार्ट होती है एक्टिनियम टू यू यू ओ। ठीक, ये हमारी सीरीज है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब आपको याद हो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी डी ट्रांजिशन पढ़ा था, उस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ एलिमेंट दैट सो डी डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स और देयर आयंस। यहाँ पे ये भी कर लीजिए, एलिमेंट्स और देयर आयंस दैट सोच डी डी ट्रांजिशन आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब डी डी ट्रांजिशन आपको बताया था कौन कौन नहीं शो कर सकते हैं, तो डी जीरो एंड डी टेन कॉन्फिग्रेशन डी डी ट्रांजिशन शो नहीं करता है। तो डी जीरो डी टेन, डी जीरो तो होता ही नहीं डी में, तो डी टेन को हम लोग हटा दे रहे हैं। डी टेन में कौन कौन आएंगे, जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे डू नॉट शो ट्रांजिशन डी डी ट्रांजिशन। अब डी डी ट्रांजिशन का एक और रीजन समझ लो, कलर। तो नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड और आयंस होते हैं वो कलर्ड इन नेचर होते हैं बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। एक को छोड़ के जिनमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है फिर भी कलर शो करते हैं वो कौन कौन है, के एम एन ओ फोर एंड के टू सी आर टू ओ सेवन। ऐसा ये क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर के कारण ऐसा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन तो आप समझते हो, मोर देन टू एटम्स को हम लोग टू डी ब्लॉक के एलिमेंट को, एक डी ब्लॉक के मेटल को दूसरे डी ब्लॉक के मेटल के साथ जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करके मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाके मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के बाद जब उनका मिक्सचर ऑब्टेंड होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो एलॉय फॉर्म करते हैं। एलॉय फॉर्मेशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर बना करके। नेक्स्ट है इंटरस्टीशियल कंपाउंड। तो इनकी जो लैटिस होती है, जैसा कि सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ चुके हैं, लैटिस के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में सम एलिमेंट लाइक कार्बन जाकर के फिट हो जाते हैं। जैसा कि स्टील में आप देखोगे जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाकर के फिट हो जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड। ये डी ब्लॉक के मेटल्स फॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टीशियल स्पेस इन देयर लैटिस। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं बहुत अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। इसका रीजन क्या है, कैटलिस्ट का मतलब ये होता है अपने सरफेस पे एडजॉर्प्शन करा लेना, और एडजॉर्प्शन तभी हो सकता है जब एबिलिटी हो कोहेसिव फोर्स की, ज़्यादा कोहेसिव एबिलिटी दो चीज़ों की हो सकती है, फ्री वैलेंसी हो पहली चीज़, दूसरी चीज सराउंडिंग एटम्स को अपने पास खींचने की एबिलिटी हो जिससे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म कर सके। तो ऐसा दो चीज़ों में होता है जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब साइज लो हो। तो डी ब्लॉक के मेटल को आप जानते हो बीच में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी साइज कम होती है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा भी होता है, दैट इज वाई ये अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। और सबसे स्ट्रांग चीज़ है इनमें एडजॉर्प्शन की एबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देख ही चुके हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। तो अब हम उसी पे आते हैं जहाँ से हमारा टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर का स्टार्ट होगा। एटॉमिक रेडियस में अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले 3D सीरीज में देख रहे हैं। तो आप जब भी हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जेड एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा और रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्सपेक्टेड जो ट्रेंड होना चाहिए वो ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है।
ट्रेंड क्या है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। पहले स्कैंडियम टू क्रोमियम तक डिक्रीज होता है, फिर क्रोमियम से कोबाल्ट तक कांस्टेंट रहता है, उसके बाद ये इंक्रीज करता है। उस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ी सी और चीज़ें समझनी पड़ेगी जिससे इस बात को समझ पाए। जो ट्रेंड हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है, वो बेसिकली तब होता है ऐसा जब हम लोगों ने देखा था कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करे, ठीक। लेकिन यहाँ पे लास्ट सेल में ना एंटर करके अंदर वाले सेल में एंटर कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में एंटर कर रहा है और फोर्थ सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है। तो न्यूक्लियस बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगाएगा, और जैसे ही फोर्स लगाएगा तो वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब इस केस में एक और फोर्स है जो हिंड्रेंस का काम करता है, जो हम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग का काम कौन करते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। किस पे शील्डिंग करते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे। ये जो इलेक्ट्रॉन इनर सेल का है और बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या जनरेट हो जाता है, रिपल्सन। और यही रिपल्सन मीडिएटर का काम करता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम। अगर हम लोग ये देख लें कि अट्रैक्टिव फोर्स लगभग रेगुलरली वन प्रोटॉन के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, वन प्रोटॉन के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ, स्कैंडियम से जिंक तक। लेकिन हम लोग दूसरा फैक्टर देखें जो रिपल्सिव एक्शन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है 3D में, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D इंक्रीजेस, रिपल्सन ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे रिपल्सन उतना ज़्यादा होता जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात करें हम लोग एक तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भी एक एक करके ही ऐड हो रहा है, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट तो होना नहीं चाहिए, प्रोटॉन भी तो उतना ही। लेकिन प्रोटॉन एक एक करके ऐड हो रहा है, उस प्रोटॉन को और सील्ड कर देते हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉन, और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी तो उस प्रोटॉन को सील्ड करेंगे इस फोर्स को बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा रिपल्सन ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, और रिपल्सन सबसे ज़्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन के नंबर इसमें सबसे ज़्यादा हो, और सबसे ज्यादा कब होंगे, जब 16 हो जाए, 17 हो जाए, 18, मतलब D8 टू D10 के केस में रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, D1 टू D4 के केस में, और मॉडरेट कब होगा, D5 टू D7 के केस में। अब हम इसी का कंपैरिजन कर लें किससे, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब बताओ अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब D में इलेक्ट्रॉन यहां पे कम होंगे तब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि शील्डिंग तब कम होगी, ये मैक्सिमम होगा। मतलब इनिशियली इस केस में, ये तो रिपल्सन की बात होगी, अट्रैक्शन देखते हैं, अट्रैक्शन इस टाइम मैक्सिमम होगा, इस टाइम ये मॉडरेट होगा, और इस टाइम ये क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आप खुद ही देख लो कि अट्रैक्शन स्टार्टिंग में अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन से, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगी, जो कर भी रही है। इस टाइम अट्रैक्शन नियर अबाउट इक्वल है किसके, रिपल्सन के, मॉडरेट है, और मॉडरेट है तो साइज क्या होगी, नियर अबाउट कांस्टेंट होगी। इस टाइम अट्रैक्शन कम हो गया किससे, रिपल्सन से, रिपल्सन ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, रिपेल करेगा, तो ये कहां जाएगा, दूर जाएगा। समझ में आती है बात, तो ये था रेडियस का एक इक्वेट रीजन, ठीक, जो हम लोगों ने समझा अट्रैक्शन और किस बेसिस पे, रिपल्सन के बेसिस पे। किसी तरीके से ये तो 3D की बात होगी, ऐसे कुछ 4D आता है, और 4D से जस्ट सटा हुआ आता है आपका 5D, ऐसे, दिस इज 3D, दिस इज 4D एंड दिस इज 5D। ये तो पीरियड में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप में कैसे रेडियस इंक्रीज करती है, ग्रुप में रेडियस कैसे इंक्रीज करेगी। अगर हम लोग बात करें फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड, यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 4D है, यहाँ पे 5D है, यहाँ पे 6D है। 5D तक की बात करते हैं हम लोग पहले, 6D अभी इनकम्प्लीट माना जाता है, इस चीज़ को हम लोग छोड़ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ से यहाँ आने में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो रेडियस क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं। इसका मतलब 5D की रेडियस सबसे ज्यादा, देन 4D, देन 3D, ये रेडियस का ट्रेंड होना चाहिए, 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D। अब अगर ये ट्रेंड होगा
ये हमारा एक्सेप्टेड ट्रेंड है जो कि क्या है, रॉन्ग है, एक्सपेक्टेड था ये, रॉन्ग है। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है वो समझते हैं। एक्चुअल ऑर्डर होता क्या है कि 3D 4D, लेकिन 4D की रेडियस नियरली इक्वल हो जाती है किसके, 5D के, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, उसी रीजन को हम लोग देख रहे हैं। देखो एग्जैक्टली क्या होता है, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक चले अगर हम लोग, तो यहाँ पे 4th पीरियड में स्कैंडियम है, 5th पीरियड में याटरबियम, 6th पीरियड में कौन है, लेंथेनम। अब आप ध्यान देना थोड़ा सा, लेंथेनम के बाद यहाँ पे आता है हाफ बीम, ये है 57 और ये होता है 72। ये 37, 38, टाइटेनियम 21, 22। अब यहां से शायद आप देख पाओ, समझ पाओ इस चीज को, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज पर, तो यहां से जैसे यहां पे आप आ रहे हो, कितना प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, 39, 18। यहां से जैसे यहां आ रहे हो, कितना प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, 18। लेकिन इस ऑर्डर में अगर देखो, यहां से यहां में प्रोटॉन इंक्रीज किया 18, यहां से यहां पे प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है कितना, 30। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इन दोनों के बीच में 14 लेंथेनाइट आ रहे हैं, 14 लेंथेनाइट एलिमेंट इनके बीच में आ रहे हैं। अब इन लेंथेनाइट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एफ सबसेल, और एफ सबसेल में इंटर कर रहा है पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज इतना हो जाता है कि सेल पे डोमिनेंट हो जाता है, और सेल पे डोमिनेंट हो जाता है जिसके कारण 4D सीरीज की रेडियस नियरली इक्वल हो जाती है किसके, 5D सीरीज के, क्योंकि अचानक प्रोटॉन कितना बढ़ जा रहा है, यहां देखो आप 18 ही बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस होगा, नंबर ऑफ सेल डोमिनेट कर जा रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 14 प्रोटॉन अचानक और ज्यादा हो जा रहा है। तो जैसे मान लो रेडियस यहां पे थी 4D, यहां पे 5D, यहां पे 5D, यहां पे 18 प्रोटॉन, 14 और आया, इसको ला करके कहां तक पहुंचा दिया, 4D सीरीज के रेडियस तक ला करके पहुंचा दिया। लेकिन ये ट्रेंड ध्यान रहे कहां वैलिड होता है, थर्ड पीरियड में वैलिड नहीं होगा, थर्ड ग्रुप के बाद ये ट्रेंड वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है, 4D की साइज 5D की इक्वल हो जाती है थर्ड ग्रुप के बाद, फ्रॉम 4th ग्रुप टू 12th ग्रुप। ऐसा क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट, या इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसकी साइज जो है वो 4D के क्या हो जाती है, नियरली इक्वल हो जाती है। कॉपर सिल्वर गोल्ड, देखो सिल्वर और गोल्ड की साइज नियरली इक्वल हो जाती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्विन्स एलिमेंट। ट्विन्स मतलब जुड़वा, साइज एकदम क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। समझ में आती बात, ये था आपका 3D 4D और इनमें एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, क्लियर है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है। लेकिन ध्यान रहे थर्ड ग्रुप में ये वैलिड नहीं होता। अगर मैं ऐसे करना चाहूं, आपसे पूछूं स्कैंडियम याटरबियम लेंथेनम,
इन सब में रेडियस का ट्रेंड बताओ। ठीक, तो आप देखोगे ध्यान से इस वाले में, ये 3D सीरीज के हैं, ये 4D, ये 5D, यहां पे ये ट्रेंड होगा, यहां पे ऐसे कर दूं, बोलो क्यों? ये थर्ड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप के आगे इसका रीजन क्या दोगे आप? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसका रीजन क्या होगा? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ, ये चीज और देख लो आप, थोड़ा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा? साइज का ट्रेंड देख लो, 3D 4D और नियरली इक्वल था किसके? 5D के। 5D में ध्यान रहे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है? 4D, ठीक, 4D। उसके बाद क्या आता है? यहां से देखो, ऐसे 3D 4D में 3D का ज्यादा हो जाएगा 4D से, और 4D का ज्यादा हो जाएगा किससे? 5D से। ऑर्डर होता है 3D 5D देन क्या आता है? 4D। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। 5D और 4D की साइज नियरली इक्वल होती है, लेकिन ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 5D सीरीज एलिमेंट इज हाई, दैट इज वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 4D एलिमेंट, बट 3D एलिमेंट हैज लोअर इन साइज, दैट इज वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट्स आर हाई देन 4D एंड देन 5D। ये एक जनरल ऑर्डर था जो आप देखिए। अब हम लोगों को जो पढ़ना है नेक्स्ट थिंग, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं, और किसके किसके कंपाउंड पढ़ने हैं? एक तो एमन का पढ़ना है, दूसरा क्रोमियम का। MN में पढ़ना है आपको KMnO4, क्रोमियम में पढ़ना है K2Cr2O7, ये दो पढ़ने हैं आपको, KMnO4 एंड K2Cr2O7। ठीक है, अब देखते हैं KMnO4 को सबसे पहले, देन हम लोग देखेंगे K2Cr2O7 को। ठीक, KMnO4 के बारे में आप थोड़ी बातें समझो। देखो सबसे पहली चीज, ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर। रीजन DD ट्रांजिशन नहीं बोलोगे आप, रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, ठीक, पर्पल कलर का। नेक्स्ट SD3 बोलो या D3S, हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब MN डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस डबल बॉन्ड O, और माइनस के साथ यहीं पे कौन होगा? K+। नेक्स्ट थिंग जो होगा, यहाँ पे MN का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। ये चीज ध्यान रखना, इसे बोलते हैं पर मैग्निक एसिड, पर मैग्निक एसिड। अब इस चीज को मैं जब भी बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूँ एक ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, सॉल्ट तो है ये, लेकिन ये मिक्स्ड ऑक्साइड। ये मेरा अपना एक तरीका है इस चीज को बताने का। अब इसमें दो चीज है, एक K2O है, दूसरा MN2O7, और ये फैक्टर जो है अलग अलग रोल प्ले करेगा। ये तो MN का 7 और ऑक्सीडेशन 7 वाला हो गया,
इसी तरीके से Mn का 6 वाला भी होता है, तो 6 वाला बनाओगे कहाँ आएगा MnO3। Mn का 4 वाला होता है बनाओगे तो आएगा MnO2। Mn का 2 वाला होता है बनाओगे तो आएगा MnO। तो ये है प्लस 7 का, ये है प्लस 6 का, ये है प्लस 4 का, ये है प्लस 2 का। अब ये जो प्लस 2 वाला देख रहे हो आप, ये प्लस 2 वाला आपका ये बेसिक नेचर का होता है, प्लस 2 वाला आपका ये बेसिक नेचर होता है। बाकी ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों कैसे नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के। अगर किसी रिएक्शन में देखो K2O तो है, Mn2O7 MnO3 में बनेगा तो K2O से रिएक्शन कर लेगा, ऐड कर दो तो K2MnO4 बन जाएगा। K2O MnO2 से रिएक्शन कर ले तो K2MnO3 बन जाएगा। ध्यान रहे चीजों पे, ये ऐसे बन सकते हैं। तो K2O और MnO3 का एक कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड K2MnO4, जिसे बोलते हैं मैग्नेट बोलते हैं, जिसे पोटेशियम मैग्नेट। K2MnO4 बनेगा, K2MnO4 पर सॉरी मैग्नेट बोलते हैं उसे, क्लियर है जी। नेक्स्ट चीज है ये सॉर्ट ऑफ पर मैग्निक एसिड, पर मैग्निक एसिड दिस इज HMnO4। ये भी कैसे बनता है अगर ध्यान दो, तो H2O में Mn2O7 ऐड करो H2Mn2O8, तो H2Mn2O8 टू कॉमन ले लो तो क्या फॉर्म होगा, HMnO4 आगे लगा दो। अगर ऑक्साइड, इसीलिए बोला ना मिक्स ऑक्साइड पता होगा तो आपको रिएक्शन करना बहुत आसान होगा, ठीक। तो ये तो था पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं लोग फ्रॉम K2MnO4 से, ध्यान दें ये मैग्नेट है, पर मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट है ये। यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो प्लस 6 होगा। चलो देखो K2MnO4 से जाना आपको कहां है, KMnO4, चलो प्लस 6 प्लस 7, बताओ क्या करना है, क्या करना है ऑक्सीडेशन, क्या करना है ऑक्सीडेशन। अब चेक करो, देखो यहां से पहले कुछ चेंज नहीं करना है, जो एटम इस साइड है वही एटम उस साइड भी चाहिए, तो चलो इसको ब्रेक करते हैं। ऑक्साइड है तो ब्रेक कर दो तुरंत, K2O और MnO3, ये 6 वाला है। 6 वाला कैसे बनाते हैं, Mn का 6 ऑक्सीजन का 2 2 1 3, क्रॉस रूल लगा दो, MnO3 बन गया, K2 और MnO3 है। अब करना क्या है, इसको अगर ऑक्सीडाइज कर दे, 6 में है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आए, ये किस में चला जाएगा 7 में, तो बन क्या जाएगा Mn2O7। ये दोनों रिएक्ट करके एसिडिक बेसिक रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, क्या MnO4। अब इसके लिए क्या ऐड करो, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो, O3 हैलोजन के बारे में बताया, Cl2 CO2 भी काम कर लेता है यहाँ पे अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, O3 तो करता ही है, Cl2 तो करता ही है, उसके अलावा कौन, CO2 भी अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर ही लेता है। चलो एक रिएक्शन करते हैं, इसका पहला रिएक्शन कराते हैं। एक बात तो समझ में आ गई, ऑक्सीडेशन करना है O3 से करवा दो, मतलब O3 क्या देता है, जब भी देगा ये छप्पर फार के O2 और O देगा। K2MnO4 को मैं क्या लिखूं, K2MnO3, यही ऑक्सीजन इसको आएगा ऑक्सीडाइज करेगा, Mn2O7 बना देगा, Mn2O7 बना देगा। इसको ऐसे कर लो आप, 2 कर दिया, बताओ कोई दिक्कत, क्योंकि Mn2 चाहिए मुझे, Mn2O6 हो गया, एक ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, 7 हो गया। अब ये K2 इस Mn2O7 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा,
KMnO4, वो भी कितना आ जाएगा, 2। बोल कोई दिक्कत? ठीक। प्लस यहाँ पे K2 भी तो 2 बना होगा, एक K2 इस रिएक्शन कर लिया, एक K2O बच गया, एक K2O बच गया, वो क्या करेगा बोलो? 2 KMnO4 तो बन गया, प्लस ये O2 है तो O2 तो निकलेगा ही, प्लस जो K2O बचा वो जब भी कहीं पे कोई ऑक्साइड बन रहा हो अपनी तरफ से क्या ऐड कर दो, वाटर। जैसे ही अपनी तरफ से वाटर ऐड करोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, KOH, 2KOH, और यहाँ पे क्या लिख दो, H2O। बोलो बात समझ में आती है, क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से रिएक्शन आप करवा सकते हो। अगर Cl2 होता तो 2KMnO4Cl2 देता, 2Cl, नेसेंट Cl, जैसे ही ऑक्सीजन दे रहा वैसे वो Cl देता, वो Cl इसको ऑक्सीडाइज कर देता Mn2O7 में, ठीक। और यहाँ पे जो पोटेशियम बचता वो Cl से रिएक्शन करके क्या बना लेता, KCl बना लेता। समझ में आती बात ये? उस चीज को भी अभी डिस्कस कर देते हैं। ये रिएक्शन क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम फ्रॉम पायरोलुसाइड ओर, पायरोलुसाइड क्या होता है, MnO2 क्या फॉर्म करना है, KMnO4। सोचो क्या करना है, सोचो क्या कर दे कि बन जाए, क्या करते हैं, चलो देखते हैं। Mn चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या लाना है मुझे, मुझे लाना है पोटेशियम। पोटेशियम का सोर्स क्या है, KOH ला दो। बोलो समझ में आती है बात ये? पोटेशियम लाना है मुझे तो KOH ला दिया, KOH से मिल जाएगा पोटेशियम। बोलो नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, ये है प्लस 4 में, जाना कहाँ है प्लस 7 में, क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। इतना कर दो, हो गया काम, चलो KOH मिला दिया, MnO2 में ऑक्सीजन ला दिया, फ्यूज कर दो। चलो MnO2 इस O2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Mn, डायरेक्ट ध्यान रहे जब भी कभी ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, डायरेक्ट हायर में नहीं जाता है, पहले कितने में जाता है, 6 में, ऑक्सीडाइज होके पहले कितने में जाता है, 6 में, जस्ट ऊपर। तो 6 में जाएगा तो क्या बना लेगा, MnO3 बनेगा। यहाँ पे 2KOH कर दो, जैसे MnO3 बना, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, K2O और H2O, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, ऐड कर दो जस्ट, K2MnO4 प्लस H2O बचेगा, एक ऑक्सीजन की यहाँ जरूरत थी, हाफ कर दो, हो गया बैलेंस। क्लियर है ये चीज? अब इसके बाद K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट करने का तरीका अभी जस्ट पहले ही बताया, इस बार मैं O2 ना लेकर के Cl2 दे रहा हूँ, Cl2 मुझे देने वाला है 2Cl, K2MnO4 को ऐसे देख लो, प्लस 6 में था, प्लस 7 में जाएगा, KMnO4 याद कर लो, प्लस 6 से प्लस 7 में जाएगा, तो KMnO4, 6 वाला K2MnO4, तो प्लस 6 से प्लस 7 में जा रहा है, KMnO4 बन गया। एक K यहाँ से हटा लो बस, देखो वो किससे कंबाइन हो जाएगा, Cl से, तो क्या बन जाएगा, KCl, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 कर दो, 2KCl, क्योंकि 2Cl2 था, बन गया KMnO4। ये था सेकेंड मेथड, ये इंडस्ट्री में बनाया जाता है, दैट इज वाई इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। लास्ट लेबोरेटरी मेथड, Mn+2 से बनाते हैं, किससे रिएक्शन करवा के, H2O8 2- से MnO4- बन जाता है, प्लस ये SO4 2- में चला जाता है, ये लेबोरेटरी मेथड है। ये कौन सा मेथड है, लेबोरेटरी मेथड। तो ये था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। थैंक यू। ठीक है, ये इस वाले रिएक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, थैंक यू, मैंने पहले ही बोल दिया, इस क्लास में कोई, इस वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है, Mn+2 MnO4- में, ये देखो +2 में है, H2O8- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर ऑक्साइड लिंक होता है इसमें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, वो ऑक्सीजन देगा,
Mn2 को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, डायरेक्ट MnO4- माइनस में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक। अब खुद किसमें रिड्यूस हो जाता है, SO4 2- में, ठीक है। इतना करिए, ये लेबोरेटरी में था। थैंक यू।